दिल्ली पुलिस को एक फोन आया कि बुरारी इलाके में मेट्रो रेल ट्रैक के पास से एक इंसान बहुत ही बुरी तरह से घायल है। पुलिस जब मौके वारदात पर पहुंची, उससे पहले ही आसपास के लोगों ने उसको अस्पताल में भर्ती करा दिया, लेकिन वहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस की शुरुआती जांच में यह सामने आया कि एक नॉर्मल एक्सीडेंट है, लेकिन फिर इस केस में एक ऐसा पेच सामने आया, ऐसा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुछ ऐसा निकला कि ये नॉर्मल एक्सीडेंट मर्डर में तब्दील हो गया। लेकिन ऐसा क्या पुलिस को पता चला और कौन वो शातिर थे जिन्होंने इस वारदात को इतनी खौफनाक तरह से अंजाम दिया कि पुलिस को एक ये एक्सीडेंट लगने लगा। आइए इस वीडियो में इस वारदात की पूरी कहानी आपको बताते हैं। नमस्कार, मेरा नाम अनिरुद्ध पंवार, आप देख रहे हैं क्राइम तक। ये पूरा मामला दिल्ली के बुरारी इलाके का है। यहाँ पर 11 जून को रात के 7:18 पर पुलिस को एक फ़ोन आता है कि मेट्रो रेल ट्रैक के पास से एक इंसान बहुत ही बुरी तरह घायल है, और पुलिस जब मौके पर पहुंची, उससे पहले ही आसपास के लोगों ने उसको भर्ती करा दिया था और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया कि ये एक नॉर्मल एक्सीडेंट है। इसके बाद पुलिस ने उस आदमी का पता लगाने का प्रयास किया कि कौन है वो आदमी, जिसके बाद पता चला कि ये बुरारी शंतनगर का 32 साल का नीरज है। पुलिस ने उसके परिवार से पूछताछ की तो इसमें पता चला कि वो 10 जून को रात के करीब 12:30 घर से निकला था। उसके पास कैश था कुछ और कुछ एक फ़ोन था। जैसे कि हमने आपको बताया कि पुलिस की शुरुआती जांच में ये सामने आया था कि नॉर्मल एक्सीडेंट है, लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई तो उसमें पता चला कि इस आदमी के सिर पर किसी हैवी ऑब्जेक्ट से मारा गया है, जिससे ये सामने पता चलता है कि एक एक्सीडेंट नहीं, एक मर्डर है। इसके बाद पुलिस ने इस केस को सीरियस लिया और इसमें अच्छे से जांच पड़ताल शुरू कर दी। पुलिस ने पूरे इलाके के सीसीटीवी कैमरे खंगाले, लगभग 100 से ज़्यादा पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे खंगाले, जिससे एक नीरज जो है वो 2 आदमियों के साथ मोटरसाइकिल पर जाता हुआ दिखा। पुलिस ने उस मोटरसाइकिल का नंबर लिया, टेक्निकल सर्विलेंस के सहारे उस बाइक जो है बाइक के मालिक का पता लगाया, जिससे 2 आदमी पता चले कि जो नीरज के साथ उस रात को मौजूद थे, 21 साल का लव और 22 साल का रजन कुमार। पुलिस ने इनको हिरासत में लिया और इनसे पूछताछ की। इनिशियली ये एक एक्सीडेंट केस जैसा लगा था। इसमें फिर आगे जब तफ्तीश की गई तो पता लगा कि स्पॉट से कुछ दूरी पे ही ब्लड के कुछ स्टेंट्स मिले थे, इसकी चप्पलें मिली थी, कुछ कपड़े मिले थे, तो उससे ये लगा जैसे कि ये एक होमिसाइडल नेचर की का इंसिडेंट हो सकता है। इसमें आगे तफ्तीश करते हुए मल्टीपल टीम्स बनाई गई पीएस वजीरा बुराड़ी की, और इन टीम्स ने फिर वजीराबाद थाने में रहने वाले एक शख्स को आइडेंटिफाई किया जो डिजीज्ड था हमारा। इस डिजीज्ड को जब ट्रैक किया गया, ट्रेस किया गया, तो आगे पता लगा कि ये 10 तारीख के शाम को निकला था अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए। टेक्निकल सर्विलेंस एंड सीसीटीवी सर्विलेंस, करीब 100 के आसपास सीसीटीवी कैमरास देखे गए, जिनसे इसके दोस्तों की आइडेंटिटी फिक्स हुई एंड उनको फिर पूछताछ के लिए बुलाया गया एंड उनमें से एक को अरेस्ट कर लिया गया, जिसके बाद इन दोनों ने शराब पी। लेकिन इतने शराब पीने के बावजूद भी इन दोनों ने डिसाइड किया कि और शराब पी जाए, जिसके चलते ये अशोक विहार में दारू खरीदने पहुंच गए। तीनों मोटरसाइकिल पर वहां पर गए और वहां से तीनों वापस आए मुकुंदपुर पुल पर, जिसके बाद राजन तो इन्होंने दोनों को छोड़कर चला गया। उसने कहा कि मुझे और नहीं पीनी है, मुझे घर जाना है, लेकिन नीरज और लव दोनों बैठकर वहां आराम से दारू पी रहे थे। नीरज पूरी तरह से नशे में धुत हो चुका था और इसी का फायदा लव ने उठाया, क्योंकि लव को पता था कि उसके पास, नीरज के पास कुछ कैश है जिसको वो लेना चाहता था। इसके लिए लव ने जो है बड़े ही हैवी ऑब्जेक्ट्स से नीरज के सिर पर मारा, जिसके बाद नीरज जो है बेहोश हो गया और उससे उसके पैसे जो थे 5,500 रुपये और उसका मोबाइल लेकर लव जो है फरार हो गया। इसके बाद इस वारदात को पुलिस को पता चला। पुलिस ने इस केस को अच्छे से सुलझाया, क्योंकि स्टार्टिंग जांच में ये सामने आ रहा था कि एक एक्सीडेंट है, लेकिन पुलिस की जांच पड़ताल के बाद ये पता चला कि एक एक्सीडेंट नहीं, एक मर्डर है। इस वीडियो में तो नहीं, आप देखते रहिए क्राइम तक।